अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन एंड वेलकम टू न्यू क्लास। जैसे आपको पता है, आपको प्रमोट किया गया है क्लास टू से क्लास थ्री में। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है COVID-19 की वजह से आपकी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज हुआ है। COVID-19 से बचाव के लिए आप घर पर रहें, सेफ रहें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, घर से बाहर गैर ज़रूरी तौर पर ना जाएं, सामाजिक तौर पर फासला रखें, एक दूसरे से हाथ मिलाने से गुरेज करें, अपने हाथों को बार बार साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी सोशल स्टडीज़ की टीचर हूँ। ये आपकी सोशल स्टडीज़ की बुक है, थ्री क्लास की बुक है। इसकी मैं आज बस फर्स्ट यूनिट की यूनिट नंबर 1 की रीडिंग करवाऊँगी। आपने भी रीडिंग करनी है और जो वर्क मैं आपको करवाऊँगी साथ, आपने वो अपनी पेंसिल से काम करना है, ठीक है, नीट एंड क्लीन। साथ साथ आपने रीडिंग भी करनी है और जो काम आपको करवाया जाएगा वो काम भी आपने याद करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें यूनिट नंबर 1 ज्योग्राफी, इसका लेसन नंबर 1 है द अर्थ इन स्पेस। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे, ठीक है। जैसे मैं रीडिंग करूँगी इसी तरह से आपने भी रीडिंग करनी है साथ साथ, और जो वर्क मैं आपको दूंगी आपने वो कर अपनी नोटबुक पर नीट एंड क्लीन करना है। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 ज्योग्राफी, पेज नंबर 2, ठीक है। लेसन नंबर, द अर्थ इज स्पेस। द अर्थ, द सन एंड द मून आर ऑल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। ज़मीन, सूरज और चांद, ये तमाम हिस्से हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम कहते हैं शमसी निज़ाम को। द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन एंड 8 प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम किससे बनता है? एक सूरज से और 8 सियारों से। प्लैनेट कहते हैं सियारों को जो खला में होते हैं। दैट मूव अराउंड इट इन स्पेस, जो कि खला में होते हैं, आपने देखे होंगे। द अर्थ इज अ प्लैनेट, ज़मीन भी एक सियारा है। इट इज सराउंडिंग बाय द एटमोसफियर, और वो फिजा से घिरी हुई है। विच इज मेड ऑफ लेयर्स ऑफ एयर, और इसके हवा की तह बनी हुई है इस पर, यानी हवा की तह है, ये हवा की तहों से बनी हुई है। डैट कीप ऑल लिविंग थिंग्स अलाइव, जिससे जानदार चीज़ें जिंदा रह सकती हैं। इस पर या आप पता, हवा के बगैर तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इस स्पेस इज द वास्ट डार्कनेस बिहाइंड द अर्थ एंड स्काई। ज़मीन और आसमान के दूसरी तरफ जो है, आपको पता है स्पेस में सिर्फ और सिर्फ वसी अंधेरा होता है, अंधेरा गुप अंधेरा छाया हुआ होता है। देयर इज़ नो लाइट नो एयर इन स्पेस, स्पेस पर ना तो रोशनी होती है ना हवा। वहाँ देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट, वहाँ सिर्फ और सिर्फ लाखों की तादाद में सितारे होंगे या सियारे होंगे। मिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे द अर्थ, जो कि ज़मीन से कई किलोमीटर दूर हैं। वी कैन सी द स्टार्स एट नाइट, हम रात को सितारे देखते हैं। बट वी सी द सन ड्यूरिंग द डे, लेकिन हम सूरज जब निकला होता दिन के वक्त सूरज देख सकते हैं। नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, कभी भी डायरेक्टली सूरज को नहीं देख सकते। इट कैन डैमेज योर आइज, हम सूरज को कभी भी डायरेक्टली नहीं देख सकते क्योंकि इससे हमारी आंखें ख़राब हो सकती हैं, हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है, डैमेज नुकसान हो सकता है, ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द सन इज़ वेरी ब्राइट स्टार, सूरज जो है एक रोशन सितारा है। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस, ये एक बॉल नुमा, मतलब एक बहुत बड़ी बॉल है बनी हुई है हॉट गैसेस, आग के गोले से। आप ये देखें, पिक्चर देख रहे हैं ना, इसमें ये देखें बिल्कुल ऑरेंज कलर में, तो ये हॉट गैसेस है, गर्म गैसेस से बना हुआ है, बॉल की तरह है, ठीक है। एंड इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, ये हमें हरारत और रोशनी देता है। इट इज़ मच बिगर दैन द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट, ये बहुत बड़ा है ज़मीन और दूसरे सियारों से। द अर्थ इज़ नॉट फिक्स इन वन प्लेस, ज़मीन जो है
एक जगह पर फिक्स नहीं है, इट स्पिन इन एन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ये जो है एक एंटी क्लॉक डायरेक्शन होती है, उसमें गिर घूमती है। घड़ी की जो मुखालिफ सिंह होती है ना, देखिए घड़ी हमारी यूँ घूमती है, सीधी साइड घूमती है ना, लेकिन ये मुखालिफ सिंह घूमती है यूँ करके उल्टे साइड पे, ठीक है। इट कम्प्लीट्स वन राउंड इन 24 आवर्स। इसका एक राउंड 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, यानी 24 घंटों में। द अर्थ आल्सो मूव अराउंड द सन। ज़मीन जो है वो सूरज के दरमियान मूवमेंट करती है, यानी कि हरकत करती है, गिर्द घूमती है। इट टेक अ एयर फॉर द अर्थ टू मूव अराउंड द सन। एक साल सूरज के गिर्द घूमती है, ठीक है। द मून, नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है द मून। द मून इज क्लोजर टू द अर्थ। चाँद जो है वो ज़मीन के बहुत करीब है। इट इज़ स्मॉलर देन द अर्थ एंड इट इज़ अ सॉलिड बॉडी। इट हैज़ नो हीट और लाइट इट्स ओवन। ये ज़मीन से बहुत छोटा है, इसकी बहुत सख्त बॉडी है, मतलब बहुत सख्त जिसामत है। इट इस ना तो रोशनी है, हमें हरारत देता है, और ना इसकी अपनी रोशनी है। इट लाइट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सन लाइट। इसका जो अक्स है वो सूरज की रोशनी से, ये जिसको जो अक्स होता है वो सूरज की रोशनी से होता है। द मून इज अ कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट बिकॉज इट गोस राउंड द अर्थ। चांद जो है वो एक मजनू सियारा है जो कि ज़मीन के गिर्द घूमता है। द अर्थ एंड मून बोथ मूव राउंड द सन। ज़मीन और चांद दोनों सूरज के दरमियान घूमते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी रीडिंग कंप्लीट हुई है, तो मैंने आपको यहाँ तक रीड की, आपने भी अपने घर पर यहाँ तक रीडिंग करनी है। इसके बाद मैं आपको इस लेसन के डिक्टेशन वर्ड लिखवाती हूँ, जो कि आपने अपने नोटबुक पर लिखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखें ये हमारे यूनिट नंबर 1 ज्योग्राफी लेसन नंबर 1 द अर्थ इन स्पेस के डिक्टेशन वर्ड हैं, जो कि आपने अपनी कॉपी पर नीट एंड क्लीन पेंसिल से करने हैं, ठीक है। आपने लाइनों में ही लिखने हैं जो वर्ड लाइनों में है, ठीक। ये देखें, मार्जिन लाइन लगानी, करेक्शन, लेसन नंबर 1, डिक्टेशन वर्ड्स, सोलर सिस्टम, स्पेस, प्लैनेट, रिफ्लेक्शन, सैटेलाइट, कॉस, माउंटेंस, प्लैन्स, इसलैंड, रफ। आपने अपना ये काम बहुत ज़्यादा अच्छा करना है, साफ सुथरा करना है, इस साथ साथ आपने याद भी करना है। मैं अगले लेक्चर में आपको रीडिंग के साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी लिखवाऊंगी। जब तक के अपना ख्याल रखें, कोरोना से बचाव के लिए अपना मास्क का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को साबुन से बार बार धोएं। अगले लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़।